ईवीएम मशीन के बारे में कई बार शंका जताई जा रही है और बहुत सारे इलेक्शन में नतीजों में भी हम देखते हैं कि काउंटिंग में काफ़ी गड़बड़ियां होती है। मशीन जब चेक करने के लिए जब जाते हैं तब भी बहुत सारे पार्टी के तरफ से वहाँ आक्षेप होते हैं कि मशीन ठीक से नहीं चल रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने VVPAT मशीन का उपयोग करने का निर्णय आगे के लिए किया है, ये स्वागत की बात है। लेकिन साथ साथ में वो VVPAT मशीन के बारे में भी शंका न हो। आज महाराष्ट्र में जैसे दो ही लोकसभा के बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस इलेक्शन में जब महाराष्ट्र में इलेक्शन के लिए मशीन भरपूर उपलब्ध है, तो इन मशीनों को यहाँ जैसे भंडारा गोंदिया में सूरत से लाए गए हैं, ये एक आश्चर्य की बात है। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि VVPAT की जितनी भी स्लिप है, पर्ची है, सारी पर्चियों की गिनती हो और मशीन का भी टोटल हो। थोड़ा समय दो चार छः घंटा ज़्यादा लगेगा, 8 घंटे ज़्यादा लगेगा तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन कम से कम इस चुनाव की प्रक्रिया में जो विश्वास होना चाहिए ये निर्माण होगा। और दूसरी बात, जहाँ तक ये मशीन जो सूरत से लाए गए हैं और इन मशीनों का उपयोग न हो, इसके लिए स्थानिक जो मशीन उपलब्ध है उसी से ये चुनाव की प्रक्रिया की जाए, और ये हम NCP के तरफ से मुख्य चुनाव आयोग और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर को हम सूचना करने वाले हैं। थैंक यू।